अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अबू बकर शाहद। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग इस तरह का पिन्ना कैसे बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग पिन्ना बनाते तो है, लेकिन उनका पिन्ना इस तरह का गोल नहीं होता, वो साइड से निकला हुआ होता है, इधर से निकला हुआ होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग इस चरखी का इस तरह का पिन्ना कैसे बना सकते हैं, गोल पिन्ना आप लोगों को बनाने का तरीका बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले हम लोगों को पिन्ना बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी एक छापर की, और छापर को आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी डोर का इस तरह से ये सिरा है, आप लोगों ने सिरे को पकड़ना है। सिरे को पकड़ने के बाद आप लोगों ने इसे इस तरह से आप लोगों ने अपना पिन्ना बनाना है। और याद रहे, जब भी आप लोग पिन्ना बनाएँ तो आप लोग छोटा सा कागज़ लें, ये ना हो कि इतना बड़ा कागज़ ले लें और फिर उसके ऊपर लपेटना शुरू कर दें। आप लोग छोटा सा कागज़ लें और डोर इस तरह से फेरें चारों साइडों पे, पहले इधर को फेरें, फिर इस तरह से इधर को फेरें, फिर इस तरह से इधर को फेरें, और आप लोग ये देखें, और आप लोग इस तरह से आप लोगों ने पिन्ना लपेटना है। और याद रहे, आप लोग जब भी डोर लपेटना तो आप लोगों ने डोर को ढीला नहीं लपेटना, आप लोगों ने सख्त करके लपेटना है ताकि ये डोर हमारी खुल ना सके। तो ये देखें कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जांच आ चुकी है पिन्ने लपेटने की। ये देखें इस तरह से आप लोग लपेटते जाएँ। ये देखें, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे एक थाली इस तरह से करते जाना है। आप लोगों ने अपने हाथ को इस तरह से घुमाना है। ये देखो, पहले इधर को बल मारा, फिर इधर को इस तरह से आप लोगों ने चारों साइडों पे बल लगाना है। फिर इसके बाद इतना करने के बाद आप लोगों ने इसे इस तरह से दबाना है और फिर इस साइड पर लगाना है। इस तरह से लगाया। ये देखें कि अब हमारा पिन्ना गोल होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें गोल हो गया ना। फिर आप लोगों ने इस तरह से मारना और इस तरह से करते करते आप लोगों का पिन्ना काफ़ी ज़्यादा गोल हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ यार। ये देखें जी, ये देखें, अगर आप लोगों की स्पीड है तो आप लोग बहुत जल्दी पिन्ना लपेट सकते हैं। यकीन करें कि जब मैं तकरीबन पिछले साल मैंने इससे तकरीबन इतनी बड़ी चरखी ली थी, तो वो मैंने तकरीबन एक घंटे के अंदर लपेट दी थी पिन्ने के ऊपर। मेरी इतनी ज़्यादा स्पीड है पिन्ने को लपेटते वक्त, तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्पीड है। ये देखें यार, कल मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सका, तो कल बारिश थी यहाँ पे, तो इस वजह से बना नहीं सका। तो इंशाल्लाह फिर कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग गिश किस तरह से बना सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो आप लोग वहाँ से गुड्डा कटो के आ रहा होता है तो आप लोग पकड़ लेते हैं, तो आप लोगों को साइड पे कहीं छापर नज़र नहीं आता, तो आप लोग फिर उसे अपने हाथ के ऊपर लपेट सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ उस डोर को संभाल सकते हैं। तो ये देखें, जब आप लोग लपेटने का तो डोर इस तरह से होगी, उधरेगी बार बार। तो आप लोगों ने याद रहे, आप लोगों ने इस तरह से, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने दबा के लपेटनी है ताकि ये इस तरह का बाला ये ना आए इसके अंदर। तो ये देखें, जब हम लोग कस के करेंगे ना तो फिर इस तरह की ये गुंजल नहीं आएगा, तो अगर हम लोग ढीला लपेटेंगे तो फिर इसके अंदर ये गुंजल आ जाएगा। तो ये देखें कि अभी फिर वापस इसके ऊपर लपेट लेता हूँ। बड़े पिन्ने के ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड है, कमेंट में बताना कि आप लोगों की क्या इतनी ज़्यादा स्पीड है पिन्ने लपेटते वक्त। ये देखें चारों साइडों पे आप लोगों ने लपेटनी है। ये देखें स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा है डोर को लपेटने की। जब यहाँ पे पतंग उड़ते हैं ना तो नासर भाई गुड़ा उड़ाता है, तो मैं पिन्ना उसका लपेटता हूँ। ये देखें इतनी जल्दी मैंने ये लपेट लिया। तो अगर आप लोगों ने इस चरखी की अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, या आप लोग इसे मंगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी लिंक नीचे मिल जाएगा, या आप लोग छोटी चरखियाँ मंगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि आप लोग इस तरह का गोल पिन्ना कैसे बना सकते हैं इस चरखी से उतार के। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग गिश किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।